एंटी करप्शन कोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा के रीवा प्रवास के दौरान रीवा दर्शन ने उनसे कुछ खास बातचीत की। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। हमारे साथ मौजूद है एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा जी, जिन्होंने दिसंबर 1915 में इस संस्था की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य था देश से करप्शन को हटाना। आइए सीधे उनसे बात करते हैं, उनका क्या मकसद था, किन उद्देश्य को लेकर आपने इसकी स्थापना की। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए और गरीब और असहाय लोगों के साथ अन्याय होते हुए देख करके हमने इस करप्शन की स्थापना की थी, एंटी करप्शन फोर ऑफ इंडिया की, ताकि हमारे असहाय और गरीब वर्ग को जो न्याय नहीं मिलता है और भ्रष्टाचार से पीड़ित होता है, उनको न्याय दिलाने के लिए हमने संकल्पित होकर के कार्य किया था। और उसके साथ एनी गवर्नमेंट एनी हमारे देश में किसी भी विभाग हो, किसी की भी सरकार हो, यह भ्रष्टाचार यानी शासन की जो नीतियां हैं हमारे कि हमारे देश से बाहर भ्रष्टाचार दूर हो और गरीब जनता को लाभ मिले, न्याय मिल सके, मैं शासन के मंशा के अनुरूप भ्रष्टाचार पर सतत कार्यरत हूँ और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए निरंतर चलता रहता हूँ। एनी गवर्नमेंट एनी डिपार्टमेंट, इसका मतलब पूरे देश में भ्रष्टाचार, इसको कैसे दूर करेंगे? हमारे एजेंडे में है कि जहाँ भी किसी भी सरकार में, शासन प्रशासन में या और जैसे भी भ्रष्टाचार पनपा हुआ है, मैं मेरे संज्ञान में जैसे भी उसकी बात आती है, यानी जिन राज्यों में मेरी या शासन या भ्रष्टाचार चल रहा है उन्मूलन के लिए, उनके माध्यम से हम यह खोज करते हैं कि कहाँ किस विभाग में कैसी भी भ्रष्टाचार किस तरह की चल रही है, उसको समाप्त के लिए मैं उसको मीडिया के माध्यम से पहला तो है कि उजागर करता हूँ। और उजागर करने के बाद स्वतः मैं अपने करप्शन के पदाधिकारियों को निर्देशित करता हूँ कि इसका पता भी लगाओ कि हाँ क्या यह भ्रष्टाचार है वास्तव में कि नहीं है। अगर है तो लिखित रूप से पैर पर मैं शासन को और प्रशासन को सूचित करता हूँ कि हाँ भ्रष्टाचार है, इस पर कार्यवाही की। अगर शासन प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है, आप मीडिया में उजागर करते हैं, उसके बाद भी अगर इस तरीके की बातचीत नहीं होती है तो उसका क्या तरीका है, उसका क्या सलूशन है, किस तरीके से आप उसका सोचा? उसका सलूशन यह होता है कि अगर हम पहले तो शासन और प्रशासन को अवगत कराते हैं, अवगत होने के बाद भी वो काम नहीं करते हैं तो फिर मैं इनको रिमाइंडर देता हूँ। रिमाइंडर देने के साथ साथ मैं विजिलेंस, क्राइम और सतर्कता को भी बताता हूँ कि यह यहाँ ऐसे इसको समाप्त करो और इनके ऊपर कार्रवाई करो। अगर उसके बाद भी नहीं करते हैं वह, तो मैं अनशन, धरना, प्रदर्शन, रैली के माध्यम से मैं इसको निवारण के लिए सतत प्रयास करता हूँ और करता हूँ। ऐसी क्या वजह थी कि मध्य प्रदेश आते आते आपको 3 साल लग गए? हाँ, मध्य प्रदेश, चूँकि मैं एक एक प्रदेश को सीरियल से लेता हूँ, आज 11 प्रदेश जो मेरे चल रहे हैं सीरियल नंबर से चल रहे हैं और एक प्रदेश को बनाने में मुझे कम से कम 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से भी ऊपर लग जाते हैं। तो 11वें 12वें नंबर पर जब मेरे संज्ञान में आया कि वो मेरे करीब सटा हुआ मध्य प्रदेश भी, मैं छत्तीसगढ़ में भी बना चुका हूँ, जो झारखंड है, हर जगह, तो इसको भी पहले टच करूँ, तो मैं मध्य प्रदेश में आया। और मध्य प्रदेश में आया तो मुझे यह परेशानी जरूर हुई कि किसके माध्यम से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, किसको पदाधिकारी बनाऊँ। तो इस माध्यम में मुझे डॉक्टर तरुण मिश्रा मिले और इनके सहयोगी भी मिले हमको, जिस माध्यम से मैंने पदाधिकारियों को सुनिश्चित किया कि इनको यहाँ यहाँ पर देना है और मैंने दिया भी। इन लोगों को भी मैंने देखा, मेरे पदाधिकारी जो हैं मेंबर भी, यहाँ रीवा से मुझे बड़ा सहयोग मिला, क्योंकि अच्छे लोग आए भी थे, कि सहयोग यह मिला कि यह कम समय में और अच्छी व्यवस्था रखिए और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करप्शन में जोड़े और ऐसे लोगों को जोड़े कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए वह सक्षम हो और उसको जाय करें। इसलिए मैं, मुझे समय लगा यहाँ पहुँचने में, लेकिन मुझे अब इस बात की उम्मीद जरूर जगी है यहाँ कि मध्य प्रदेश में बहुत कम समय में मैं सारे प्रदेश प्रभारी तक भी नियुक्त कर दूंगा।
अच्छा, क्या संदेश ऐसा देना चाहेंगे जनता को कि जिससे वो उनको ये लगे कि एक हमारी सुनवाई करने वाला भी एक संगठन मध्य प्रदेश में? हाँ, मेरा एक सूत्र है, क्या आप भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं? क्या आप भ्रष्टाचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं? अगर यदि हाँ लड़ना चाहते हैं तो आइए, हम सब मिल करके भ्रष्टाचार के और न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। निवेदक, एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया, मेरा यह सूत्र चलता है, मीडिया के माध्यम से प्रसारित करता हूँ, प्रेसों के माध्यम से करता हूँ और हैंडबिल के माध्यम से करता हूँ, यानी और स्टिकर चिपकवा करके मैं करता हूँ कि जनता को लगे कि हाँ कोई आज या ऐसा व्यक्ति भी है, ऐसा संगठन भी है जो हमारी बात को सुनेगा और अन्याय को समाप्त करने के लिए सतत मेरे साथ कदम से कदम मिला करके वह संगठन चलने के लिए तैयार है। ये थे हमारे साथ पंडित कमलेश ओझा जी। एंटी करप्शन यूनिट बनाकर इन्होंने ठाना है हमें भ्रष्टाचार को मिटाना है।